हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माधिस वर्ल्ड। और ये देखिए नज़ारा, कितना प्यारा नज़ारा है ना। तो जिन लोग मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं वाइटी के, उन लोग को पता होगा कि ये कहाँ का नज़ारा है। सो चलिए, ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट नहीं करती, मैं बता देती हूँ। ये है मेरी माँ के घर का नज़ारा और मैं यहाँ आई हूँ 7:00 AM मॉर्निंग की टाइम है अभी, और काउ मिल्किंग होने वाली है, तो बस मैं उसी के लिए आई हूँ। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी, अपने पुराने चैनल पर भी मैंने सोचा था कि बनाऊंगी इस पर वीडियो, लेकिन नहीं बना पाई, चैनल ही टर्मिनेट हो गया। सो मुझे फिर से रिक्वेस्ट आया कि मैम ये आप बनाइए, तो मैंने सोचा कि चलो बना लेती हूँ, क्योंकि एक ही वीडियो देख देख के आप लोग बोर हो जाएंगे। तो थोड़ी बहुत मैं विलेज की झलक, थोड़ी बहुत विलेज का जो कल्चर है हमारी, हम लोग किस तरह से रहते हैं, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बीच बीच में ज़रूर दिखाते रहूँगी। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना। तो फिर जैसे ही आ जाएगा मिल्किंग करने वाला तो मैं आपको दिखाती हूँ, आप लोग चैनल पे बने रहिए। और ये देखिए मैंने पकड़ा हुआ है चाय, चलो आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से मैं। सो गाइस, ये देखिए मेरी चाय। और चाय वैसे मैं ज़्यादा नहीं पीती हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद देखो मैंने आधा गिलास चाय ले रखा है, जो कि सेहत के लिए बिल्कुल ही हानिकारक होता है। तो चलिए फिर मैं पी लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ गाइस। सो गाइस, ये देखिए पी रही हूँ मैं चाय, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है। सो आप लोग चैनल पर बने रहिए, ओके। सो एवरीवन, ये देखिए ये है हमारी काऊ, और ये जो वाइट वाली दिख रही है ना आप लोगों को, ये इसकी मिल्किंग होने वाली है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए। सो गाइस, ये देखिए ये है गोबर, जिसको ब्यारा को लीपने के लिए रखा गया है, और आई थिंक पता नहीं ये कितने दिन का है, कितना दिन का रे माँ। और ये हाँ, और ये जो है ना गोबर, वो है 15 आई थिंक महीने दिन हो गए इसको, महीने दिन से ये देखो ऐसे ही मतलब इसको कलेक्ट कर रहे हैं लीपने के लिए। और ये जो ऊपर में आपको दिख रहा है ना, ये सारा मोरिंगा का लीफ है, वो जो झड़ चुका है, जो जस्ट इसके ऊपर में है, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये। सो एवरीवन, ये देखिए मेरी माँ जो है वो पानी डाल रही है चारा देने के लिए गायों को, क्योंकि जनरली गाँव में ना जो चरवाहा होता है, जो गायों को चराता है, जिसको हम लोग गहीरा बोलते हैं या दूध वाला बोलते हैं, वो जो है आके दूध निकालने का काम करता है, घरों में दूध नहीं निकाला जाता है, ये उनका काम होता है गायों को चराना, और सुबह शाम दूध निकालने उन लोग आते हैं, तो उनसे पहले जो है गायों को चारा वारा खिलाया जाता है। और सपोज़ कभी नहीं आता है चरवाहा या गहीरा, तो फिर खुद घर में मतलब दूध निकाला जाता है। यहाँ तो कभी नहीं आता है सपोज़, तो मेरी माँ जो है वो मिल्किंग का काम कर लेती हैं। और यहाँ पे देखो पानी उन्होंने डाल दिया है, और वो जो आपको दिख रहा है ना, जो मैंने दिखाया जिसमें पानी डाल रहा है, उसको हमारे तरफ बोला जाता है कोटना, जिसमें गायों को चारा दिया जाता है। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है भूसा, चावल का जो भूसा निकलता है ना, वो है, इसको हम लोग कोढ़ा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। और जिन लोगों को नहीं पता होगा गाइस, तो मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। और फिर ये देखिए इस तरीके से ये चारा पानी जो है वो खा रहे हैं, और इसका जो बछड़ा है ना वो है अंदर में, अंदर में मतलब चारा गाह में, और हम लोग उसको बोलते हैं कोठा, तो उसको कोठा में बांध के रखा जाता है, और जब चरवाहा आ जाता है तो वो उसको निकालता है, और फिर दूध निकालने के टाइम वो अपनी उसकी माँ के पास उसको लाता है। तो उसके आने से पहले यही प्रोसेस होता है सुबह शाम का, इनको चारा खिलाया जाता है। और ये देखिए ये है इनका बछड़ा, जो मैं जब गई ना वीडियो शूट करने के लिए, तो ये उठ के खड़ा हो गया, मुझे देख रहा था और बहुत चिल्ला रहा था माँ माँ करके, क्योंकि जो चरवाहा था ना वो उनको थोड़ा लेट हो गया था आने में, कभी जल्दी आ जाता है तो कभी लेट हो जाता है, अब कई घर जाना होता है तो हो जाता है लेट। तो यहाँ पे देखिए मैं वीडियो बना रही थी, तो वो मुझे गौर से देख रहा था, और है ना काफ़ी ज़्यादा प्यारा, तो ये बछड़ा है, बछड़ी नहीं है, इसलिए मैं प्यारा बोल रही हूँ।
तो यहाँ पे फाइनली जो चरवाहा होता है ना वो आ चुका है और इसको बछड़े को उन्होंने खोल दिया है और यहाँ पे वो मिल्क पी रहा है। तो मिल्क निकालने से पहले जो है ना बछड़े को खोला जाता है ताकि मिल्क वो पिए, देन उसके बाद जो है मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो हो और मिल्क को निकालने में आसानी हो। तो यही प्रोसेस होता है सबसे पहले कि बछड़े को पहले मिल्क पिलाया जाता है, उसके बाद जो चरवाहा होता है या जो दूध निकालता है उसके बाद ही दूध निकालता है। अगर वो इसको पिलाने से पहले दूध निकालने का काम करेगा तो दूध जो है वो नहीं निकलता है। तो इसीलिए पहले बछड़े को पिलाया जाता है, जिसको बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ी में तो बोलते हैं कि आई थिंक पही, मुझे नहीं बोलने आ रहा है, कुछ बोलते हैं, बाद में आप लोग को बताऊंगी। तो ये देखिए, ये है हमारा मिल्क मैन और यहाँ पे देखो इस तरीके से बछड़े को उसके पैर में ये बांध देता है। ये देखिए उसकी गर्दन को ढीला ही रहता है, देन ऐसे बांधता है कि वो छूटता नहीं है और उसका रस्सी वो अपने पास रखता है। देन यहाँ पे देखिए एक गंजी है और यहाँ पे फिर वो दूध निकालता है। तो दूध निकालने का साउंड मैं आपको ओरिजिनल सुनाऊंगी गाइस, आप लोग देखिए। और ये 1 लीटर के करीब दूध देता है ये गाय, मतलब इंजॉय करिए। ओके, तो गाइस यही है हमारे विलेज, हमारे घर का जो होता है डेली का रूटीन। और मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ क्योंकि मुझे अपना घर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, भले ही मिट्टी का है बट बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे यहाँ का इन्वायरमेंट। और उसके बाद ये देखिए बछड़े को ढील दिया जाता है, देन आज उनका जो चरवाहे का जो होता है ना बरवाही होता है, मतलब आधा दूध वो लेके जाता है और आधा दूध वो घर के लिए छोड़ता है, और ऐसा वो वीक में 2 बार करता है। तो आज उनका बरवाही है तो उन्होंने जो आधा दूध है ना उसको मतलब छोड़ देता है और आधा दूध को वो लेके जाता है। तो कैसा लगा वीडियो गाइस, कमेंट करके बताना। अच्छा लगा होगा तो मैक्स और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।